Hello everyone, welcome to our channel. As you know, we started order 2 in last session, and today we will discuss the answer of this question: can order 2 rule 2 be a ground for rejection of plane? So before discussing this, I will tell you order 2 rule 2 again, ताकि आपको एक summary ध्यान में आ जाए. तो हमने order 2 में क्या किया था बच्चे last session में, एक example के through. Suppose A has took money from B, ठीक है, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट अमाउंट की उन्होंने ली. नाउ बी वॉन्ट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ए. बी अब चाहता है कि मैं ए के अगेंस्ट सूट फाइल करूँ क्योंकि ए उसका पैसा नहीं लौटा रहा है. बट वाइल फाइलिंग अ सूट ही फॉरगॉट, या फिर इंटेंशनली उन्होंने स्किप कर दिया टू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 की अमाउंट जो उन्होंने बीच में कभी ली थी. सो आफ्टर कमिंग ऑफ जजमेंट ऑफ सूट, बी अगेन वॉन्ट टू फाइल द सूट फॉर रुपीज 5,000 की. So here what your order 2 says that he cannot file it as it is completely barred by court because matter related to same cause of action must be included in the single suit. Once you relinquished, you cannot file them again. यही पढ़ा था बच्चे. एक और example समझ लीजिए. Suppose A gave his house on rent to B. ठीक है, B को अपना घर किराए पे दिया. Now B has given rent. Rent कब कब दिया उन्होंने? सपोज कीजिए 2015 में दे दिया, बट उन्होंने 16 में स्किप की कर दिया, 17 में नहीं दिया, और अगेन 18 में आके फिर रेंट दे दिया. तो ए फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट फॉर द ईयर 2016 के लिए सिर्फ उन्होंने सूट फाइल किया, किसने? ए ने, एंड नॉट ऑफ 2017. आफ्टर कमिंग ऑफ जजमेंट नाउ ही वॉन्ट्स टू फाइल द सूट फॉर 2017 के लिए वो फिर से सूट फाइल करना चाहते हैं. सो अगेन हेयर ही इज बेयर्ड फ्रॉम सूइंग इट. और ये जो ऑब्जेक्शन है ये कौन रेज करेगा? डिफेंडेंट. डिफेंडेंट यहाँ पर कौन है? बी. ठीक है. ऑल्सो इफ देयर आर मोर देन वन रिलीफ एंड द डिक्री होल्डर विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट हैज रिलिंक्विश्ड एनी रिलीफ, ही देन कैन नॉट फाइल द सूट फॉर द रिमेनिंग रिलीफ. यही हमने पढ़ा था बच्चे ऑर्डर टू के बारे में. नाउ कम एंड लेट सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कैन ऑर्डर टू रूल टू बी अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट? देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किस में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं? ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर. तो हम ये चीज को रिलेट कर रहे हैं आप, ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है दैट ऑर्डर टू रूल टू मीन्स इट इज द बार ऑफ लॉ. अगर किसी सूट में या केस में ऑर्डर टू या रूल टू लगता है, इट मींस सेकंड सूट इज बेयर्ड. ठीक है, वो बार का काम करता है. अब ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है? इट रिलेट्स टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. ऑर्डर 7 रूल 11 का जो क्लोज डी है वो किससे रिलेटेड है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. एंड इट सेज दैट इफ इट अपियर्स फ्रॉम द प्लेंट प्लीडिंग ऑफ प्लेंट्स एट द सूट इज बेयर्ड बाय लॉ, देन प्लेंट विल बी रिजेक्टेड. वो रिजेक्ट हो जाती है. सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी कैन बी डन ओनली वेन द सूट इज बेयर्ड बाय सम लॉ एंड दैट टू द बार अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट. प्लेंट से ही आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये रिजेक्ट होगी कि नहीं. अगर ये बेयर्ड बाय लॉ है तो वो ऑब्वियसली ऑर्डर 7 के अंदर आके रिजेक्शन हो जाएगी. नाउ अपियरिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट की क्या मीनिंग हुआ? अगर स्टेट ये बोला है ना अभी मैंने, इफ इट अपियर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट, तो अपियरिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, लाइक द प्लेंट इट्स बेयर्ड बाय द स्टेटमेंट इन प्लेंट का मीनिंग हुआ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ने पर अगर आपको दिख रहा है कि सूट इज बेयर्ड, अदरवाइज बार प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस देना पड़ता है ना. अगर आपको रिजेक्शन रेस जुडिकाटा का बार प्रूव करना है या एविडेंस देना पड़ेगा, सो ऑर्डर टू रूल टू के बार देना है तो आपको एक एविडेंस देना पड़ेगा. मैंने बताया था डिफेंडेंट की ड्यूटी पड़ती है, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स प्लेंट शो करनी पड़ती है. लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अंदर ऑर्डर 7 रूल 11 विल हैपन ओनली व्हेन बार अपीयर्स फ्रॉम द प्लीडिंग इन द प्लेंट. प्लेंट्स पे ही अगर आपको दिख रहा है एंड विदाउट गिविंग एनी एविडेंस, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम? डेमरर क्लेम. सो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लियरली रिक्वायर्स दैट इफ बेयर ऑफ सूट अपियर्स फ्रॉम द प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट इटसेल्फ, देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड. अगर आपको प्लेंट की प्लीडिंग से ही ये लगता है स्टेटमेंट को देखते ही कि यस इट्स बैड, तभी वो रिजेक्ट होती है. यहाँ पर फर्दर एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है.
इफ इट डजेंट अपियर फ्रॉम द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट से ही नहीं लगता है, रादर देयर यू हैव टू गिव एविडेंस टू प्रूव द बार टू द सूट कैन बी डिसमिस, बट प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड. प्लेंट फिर वहाँ पर रिजेक्ट नहीं होती, वहाँ पर जस्ट सूट डिसमिस हो जाता है. सो ऑर्डर टू रूल टू कैन नेवर बी प्रूव्ड विदाउट प्रूविंग द डॉक्यूमेंट. ये हमने पढ़ा था, डिफेंडेंट को अपनी प्लेंट भी, अपने डॉक्यूमेंट्स भी, विटनेसेस को भी समटाइम प्रूव करवाना पड़ता है, एंड प्लेंट इन द प्रीवियस सूट भी देनी पड़ती है, फॉर यू विल हैव टू गिव एविडेंस. सो ऑर्डर टू रूल टू प्रूव करने के लिए हमेशा एविडेंस देना पड़ता है. सिर्फ प्लीडिंग के बेसिस पर बार अपॉन ऑर्डर टू रूल टू कैन नॉट बी प्रूव, एंड हैंस प्लेंट कांट बी रिजेक्टेड. इसलिए ये रिजेक्शन नहीं होती है, रिजेक्शन होती है ऑर्डर सेवन में, जिसमें जस्ट प्लेंट की प्लीडिंग की स्टेटमेंट को रीड करने से ही आपको लगता है कि इट्स बैड, तब वो रिजेक्ट हो जाती है. ठीक है, देन इट इज़ नॉट द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, इट विल ऑलवेज बी अ डिसमिसल ऑफ सूट. तो अब आपको पता लग गया, ऑर्डर टू रूल टू इज ऑलवेज डिसमिसल ऑफ सूट. डिसमिसल ऑफ सूट क्यों है? बिकॉज हेयर एविडेंसेज आर टू बी गिवन, आपको एविडेंसेज देने पड़ेंगे. फॉर अ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या होता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ बार ऑफ लॉ अंडर ऑर्डर सेवन रूल इलेवन क्लोज डी, इट इज असेंशियल दैट बार शेल अपीयर फ्रॉम द प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट. प्लेंट की प्लीडिंग से ही ये लगता है कि ये बार है, जैसे हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा था. ठीक है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेज प्रूव्ड. इफ एविडेंसेज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, देन द बार ऑफ द सूट मे बी डिसमिस्ड, बट प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एज वी रेड इन केस ऑफ ऑर्डर टू रूल टू. ठीक है, द बार कैन नॉट बी प्रूव्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, रादर इट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय प्रोड्यूसिंग एविडेंसेज ऑफ द प्लेंट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रीवियस सूट. आप देते हैं ना, डिफेंडेंट देता है. दस द ग्राउंड ऑफ ऑर्डर टू रूल टू प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड. आप इसका आंसर क्या देंगे कि ऑर्डर टू रूल टू कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. ये नहीं होता है, इट्स जस्ट द ग्राउंड ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट. बिकॉज फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इट मस्ट बी अपीयर्ड फ्रॉम जस्ट रीडिंग द प्लीडिंग. आपको प्लीडिंग ऑफ प्लेंट से ही पता लग जाता है कि यह बैड बाय लॉ है, तब वो रिजेक्शन होता है. बट इफ ये लगता है कि आपको फर्दर एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे, प्रीवियस सूट की प्लेंट को शो करना पड़ेगा, तब आप कुछ एफर्ट्स लगाते हैं और उस एफर्ट्स की वजह से वो रिजेक्शन नहीं होता, वो डिसमिसल होता है. राइट, सो दस ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑर्डर टू रूल टू प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, रादर सूट कैन बी डिसमिस्ड. अब क्वेश्चन उठता है, इन अ सूट ए क्लेम रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम बी. ए क्लेम क्या करता है बी से? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का. लेटर ही फाइल्स अनदर सूट एंड दिस टाइम ही क्लेम मेजने प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेम प्रॉपर्टी. सेम ही प्रॉपर्टी से वो मेजने प्रॉफिट्स क्लेम करता है. सो विल द सेकेंड सूट बी हिट बाय ऑर्डर टू रूल टू? क्या यहाँ पर ऑर्डर टू रूल टू लगेगा? फर्स्ट में ही इज सेइंग पोजेशन एंड इन सेकेंड ही इज सेइंग मेजने प्रॉफिट. देखिए, एज पर ऑर्डर टू रूल फोर अगर हम देखें, रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड मेजने प्रॉफिट्स आर टू डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शंस, एंड हेंस यहाँ पर ऑर्डर टू रूल टू विल नॉट अप्लाई. यहाँ पर क्या लगेगा? ऑर्डर टू रूल फोर लगेगा, जिसमें कि पोजेशन और मेजने प्रॉफिट्स आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स. दैट्स वाई यहाँ पर ऑर्डर टू रूल टू नहीं होगी और ये डिसमिस नहीं होगा. राइट, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड वट इज ऑर्डर टू रूल टू बेसिकली अबाउट. क्या ऑर्डर टू रूल टू के बेसिस पर रिजेक्शन होती है? बिल्कुल नहीं होती, इट्स जस्ट द डिसमिसल ऑफ द सूट. नाउ स्टे अलर्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर टू रूल 3, 4, 5. ओके, टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.